सो गाइज अभी तक आपको छोटे मोटे अपडेट मिल रहे थे अबाउट माई मोटो व्लॉगिंग सेटअप, बट फाइनल रिजल्ट अभी तक आपको देखने के लिए नहीं मिला था। अभी तक मैं इसलिए कह रहा हूँ बिकॉज अगर मैं आज यहाँ आया हूँ तो इसका मतलब है कि मैं आज आपके लिए एक कम्प्लीट मोटो व्लॉगिंग सेटअप आपके सामने यहाँ कम्प्लीट मोटो व्लॉगिंग सेटअप बिल्ड कर सकूँ और आपको दिखा सकूँ। पूरा प्रोसेस आज आपको देखने के लिए मिलने वाला है मेरे इस व्लॉग में, तो भाई कनेक्टेड रहिए और इस व्लॉग को एंड तक जरूर देखिए, स्किप मत कीजिएगा। तो हाँ गाइज, कोई जुगाड़ नहीं, जुगाड़ उगाड़ वाला काम नहीं होगा। आज आपको देखने के लिए मिलेगा प्रॉपर ऑडियो सेटअप गोप्रो कैमरा के साथ। गोप्रो कैमरा हम माउंट करेंगे अपने हेलमेट में, नॉट ओनली वीडियो, नॉट ओनली विजुअल, बट विद ऑडियो प्रॉपर साउंड रिकॉर्डिंग के साथ। यहाँ पे आवाज वीडियो के साथ सिंक्रोनाइज होके आपको देखने के लिए मिलेगी। सो गाइज, बहुत लोगों के सवाल होते हैं विजुअल्स लेना, सिनेमेटिक्स लेना इजी है, वीडियो रिकॉर्डिंग करना हमें सिर्फ एक चिन माउंट चाहिए जिसको हम अपने हेलमेट में लगाते हैं, उसके ऊपर हम गोप्रो को अप्लाई कर देते हैं, बहुत इजीली हमारे पास वीडियो रिकॉर्डिंग का पूरा सेटअप तैयार हो जाता है। बट द टफ थिंग इज वीडियो सेटअप के साथ ऑडियो कैसे सिंक्रोनाइज करोगे, माइक्रोफोन कैसे लगाओगे अपने मोटो व्लॉगिंग सेटअप में ऑडियो आउटपुट के लिए, वो थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस होता है, लोग उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। बहुत सारे मेथड्स हैं, लोग अलग अलग तरह से अपने मोटो व्लॉगिंग सेटअप को बिल्ड करते हैं, तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन के बीच में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मैं आज आपको सबसे इजी और सरल तरीका और मेथड आपके सामने आज दिखाने वाला हूं, जैसे आप अपना एक कंप्लीट मोटो व्लॉगिंग सेटअप जिसमें आपकी ऑडियो भी रिकॉर्ड हो रही है और प्लस विजुअल्स भी रिकॉर्ड हो रहे हैं उसको बिल्ट अप कर सकते हैं बिना किसी ज्यादा हैजल के, बिना किसी ज्यादा परेशानी के। सो गाइज, अगर आप शौकीन हैं बाइक राइड करके, लॉन्ग टूर्स करने के और उस जर्नी को कहीं ना कहीं रिकॉर्ड करके यूट्यूब में डालने, तो उसके लिए बेस्ट चीज है आपका मोटो व्लॉगिंग सेट। अगर आपको ट्रैवल करना पसंद है, आप लॉन्ग जर्नीज पे जा रहे हैं या फिर आप अपने घर से आसपास कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, शॉर्ट जर्नीज कर रहे हैं अपनी बाइक में, दो पहिया वाहन में, अगर आपका मन है रिकॉर्ड करने का अपनी जर्नी, दूसरे तक पहुंचाने का, उसे बताने का कि आप क्या एक्सपीरियंस कर रहे थे बाइक चलाते हुए, आपके आसपास के सीनरी माहौल को देख के जो आप फील कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं आप कैसे शेयर कर सकते हैं, वो आप शेयर कर सकते हैं मोटो व्लॉगिंग के माध्यम से। क्योंकि अगर आप एक फोर व्हीलर में ट्रैवल कर रहे हैं तो उसमें बहुत आसान है, आपको सिर्फ कैमरा खोलना है और व्लॉग करना है। बट अगर आप एक दो पहिया वाहन बाइक राइडर हैं, आप स्कूटी राइड करते हैं, आपको पसंद है ट्रैवल करना, छोटी छोटी जगहों पे जाना, पहाड़ों में जाना, इधर उधर नेचर की खूबसूरती को एक्सप्लोर करना, और उससे बड़ी बात उस जर्नी को, उस एक्सपीरियंस को दूसरे बंदे तक शेयर करना, तो आपके पास जो चॉइस बचती है वो यही है कि आप एक अच्छा मोटो व्लॉगिंग सेटअप बिल्ड करें अपने हेलमेट में, ताकि वो जर्नी जो आप कर रहे हैं, जो आप उस जर्नी को करते हुए एक्सपीरियंसेस ले रहे हैं, जो आपके मन में चीजें आ रही हैं, वो आप अपने फ्रेंड्स तक सोशल मीडिया के माध्यम से या वीडियोस के माध्यम से पहुंचा सकें, उसके लिए आपके पास एक मोटो व्लॉगिंग सेटअप होना जरूरी, ना केवल एक कैमरा, एक्शन कैमरा, उसके साथ साथ ऑडियो आउटपुट भी, क्योंकि एक जो साउंड होती है कहीं ना कहीं जो हम फील कर रहे हैं वो हम डिस्क्राइब कैसे करेंगे अपनी वीडियो में, एक्सप्रेस कैसे करेंगे जो हम फील कर रहे हैं माउंटेन्स को देख के, ब्यूटी को देख के अपने आसपास नेचर की, वो हम कर सकते हैं थ्रू आर वॉइस, अपने शब्दों से हम बयान कर सकते हैं। लिए आपके पास एक माइक्रोफोन सेटअप भी होना जरूरी है ऑडियो आउटपुट के लिए, मोटो व्लॉग बना रहे हैं ताकि जो एंड रिजल्ट आए उसमें ना केवल विजुअल्स हो, आसपास के खूबसूरत सिनेमैटिक्स हो, बट आपकी वॉइस भी हो, आपका प्रोस्पेक्टिव भी हो जो आप फील कर रहे थे उस समय पे। सबसे इजी और सरल मेथड में मैं आज आपको अपना सेटअप तैयार करके दिखाऊं विद इक्विपमेंट्स, की कौन कौन से इक्विपमेंट्स हैं जो हम आज यूज करने वाले हैं इस सेटअप को बनाने के लिए, वो सारे इक्विपमेंट्स यहां पर मेरे पास मौजूद हैं गाइस समय पे, तो वो सारे इक्विपमेंट्स के बारे में मैं एक एक करके आपको बताऊंगा विद हेलमेट। सारी चीजें आज आपके सामने रिवील होने वाली है, आपके सामने आने वाली है, कौन कौन सी चीजें आपको अपने मोटो व्लॉगिंग सेटअप बनाने के लिए रिक्वायर्ड होती है। चीजें हैं जो गोप्रो ऑथराइज्ड स्टोर से आपको मिल जाती है, कुछ चीजें जो आपको आफ्टर मार्केट बाय करनी पड़ती है, आफ्टर बाइंग एक्शन कैमरा एसजे कैम और गोप्रो, जो भी एक्शन कैमरा आप यूज कर रहे हैं, एक्सेप्ट दैट मोटो व्लॉगिंग सेटअप को कंप्लीट करने के लिए कैमरा लेना बहुत इजी होता है लोगों के लिए, उसको लगा के रिकॉर्ड करना भी उतना ही इजी है, पर उसके बाद अगर आपको उसमें और सारे इक्विपमेंट्स और सारी चीज लेने पड़ेंगे बिल्ड करने के लिए अपना मोटो व्लॉगिंग सेटअप, तो वो प्रोसेस थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, क्योंकि आफ्टर मार्केट बहुत सारे माइक्रोफोन्स हैं जो अवेलेबल हैं व्लॉगिंग के लिए, बट हर माइक्रोफोन हर एक्शन कैमरा के साथ सूटेबल नहीं होता है। आज मैं आपके सामने दिखाने वाला हूं कि क्या क्या परेशानियां मुझे आएंगी इस सेटअप को बनाने में, और वो परेशानियां आप फेस ना करो, आप इजीली अपना जो मोटो व्लॉगिंग सेटअप है उसको कम हैजल में परेशानी लेते हुए, मेरी वीडियो को देखते हुए, सीखते हुए बिल्ड कर पाओ, उसके लिए आज ये व्लॉग आपके लिए मैं बना रहा हूँ, तो हो जाइए रेडी। तो गाइज, जब आप विजुअल्स रिकॉर्ड करके लोगों को दिखाओगे तो लोगों को अच्छा लगेगा, बट अगर उसमें आपकी ऑडियो भी होगी तो वो सोने पे सुहागा है, यानी वो चेरी ऑन द केक हो जाती है, वो वाली बात आ जाती है। एंड प्लस द थिंग इज कि लोगों को वो ज्यादा पसंद आएगा क्योंकि उसमें आपका प्रोस्पेक्टिव देखने के लिए ज्यादा मिल रहा है। सड़क में चलते हुए व्लॉग बनाना बहुत ईजी है,
पर मोटो व्लॉग करना ये एक पूरा प्रोसेस है जिसमें हमें अपना मोटो व्लॉगिंग सेटअप करने से पहले बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है, छोटी छोटी चीजों को, छोटे छोटे पार्ट्स का ध्यान रखना पड़ता है। ऑडियो जैक है आपका, माइक एडेप्टर है आपका, माइक्रोफोन है आपका, गोप्रो खेज है जिससे आप गोप्रो को माउंट कर रहे हो हेलमेट में, तो इट्स अ लेंथी प्रोसेस। बट अगर आप समझ के देख के इस चीज को बिल्टअप करना शुरू करते हो तो आपके लिए इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं होगा। सारे स्टेप्स को ध्यान से देखिएगा, जो जो चीजें मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ पूरे प्रोसेस को एंड तक देखिए, समझिए और उसके बाद अपना खुद का एक मोटो व्लॉगिंग सेटअप क्रिएट कीजिए। तो गाइस सारे इक्विपमेंट्स हम आपके सामने यहाँ पर लाएंगे, उनको गैदर करेंगे हेलमेट से लेके सारी चीजें और उसके बाद अपने सेटअप को बिल्टअप करना शुरू करेंगे। सो भाई फर्स्ट चीज है हमारे पास गोप्रो खेज जिसमें हम गोप्रो को फिट करेंगे, एज वेल एज आप इसको एडेप्टर माउंट भी कह सकते हो क्योंकि गोप्रो का जो माइक एडेप्टर है वो भी इसी में माउंट होगा। सेकंडली वी हैव दिस ड्यूअल माइक्रोफोन विच इज कम्पेटेबल विद आईफोन, आईपैड, स्मार्टफोन्स एंड विंडो मैनी मोर लाइक गोप्रो ऑल्सो। अगर पैकेट के डब्बे में मोर लिखा है इसका मतलब है कि मोर यानी कि और जो आपके डिवाइसेस हैं उनके साथ भी ये कम्पेटेबल होगा। द बेस्ट पॉइंट अबाउट दिस माइक इज भाई ये ड्यूअल चैनल माइक है, यानी कि इट विल कवर द साउंड्स इन 360 डिग्री, यानी कि इट्स अ फोर डायमेंशनल माइक। पास डबल माइक्स हैं तो ये एक तरह से चारों डायमेंशन को कवर करने के लिए पर्याप्त है। जो सिंगल माइक होता है वो आपका 180 डिग्री पे काम करता है, यानी कि जो डायरेक्शन है उसका वो उस तरफ रिकॉर्ड करेगा। बट विद अ ड्यूअल चैनल माइक, ड्यूअल माइक्रोफोन का माइक केपेबल है पूरा 360 सराउंडिंग में जो साउंड्स आ रही हैं उनको रिकॉर्ड करने के लिए। और तीसरी चीज थी गोप्रो माइक मॉड जो कि मैंने यहाँ सील की मदद से हेलमेट आई यूज फॉर द लेह राइड लगा रखा है। फिलहाल जल्दी से इसको निकालते हैं, ये मेरा पुराना हेलमेट है जिसको मैं अब यूज नहीं करता हूँ, इसको फ्यूचर में मॉड करूंगा इसलिए इसको रखा हुआ है मैंने घर में मॉडिफिकेशंस के लिए। बट टिल दैट टाइम निकाल के अपने करंट हेलमेट पे लगाते हैं, हमने मोटो व्लॉगिंग करनी है। तो इट्स वर्किंग ब्रो, निकल रहा है और ये निकल गया। दिस गोप्रो माइक एडेप्टर जो कनेक्ट करेगा हमारे गोप्रो को हमारे माइक से, यानी कि हमारे एक्शन कैमरा को माइक से, जिस माइक से हमें मिलेगी ऑडियो, ऑडियो आउटपुट जो है वो माइक से रिकॉर्ड होके इस एडेप्टर से जाएगा हमारे एक्शन कैमरा में जो सिंक्रोनाइज होके हमारी वीडियो के साथ हमें सुनने के लिए मिलेगा। मेरे पुराने हेलमेट से एम सील देख सकते हो आप, अभी भी इस पे एम सील की एक लेयरिंग आपको दिख रही होगी, तो वो प्रोसेस आपने देख लिया होगा इस वीडियो में। भाई जहाँ चाह है वहाँ राह है, तो हमें फिलहाल हमने किसी तरह से मेहनत करके बल प्रयोग से हमने इसको अपने पुराने हेलमेट से निकाल लिया ताकि हम इसको अपने नए हेलमेट में, नए मोटो व्लॉगिंग सेटअप में माउंट कर सकें। फोर्थ इक्विपमेंट इज दिस हेलमेट माउंट। मैंने आपको केज दिखाया जिसमें हम गोप्रो को माउंट करेंगे, बट गोप्रो को केज में माउंट करने के बाद हमें उसे माउंट करना होगा अपने हेलमेट में, जिसमें हमें सहयोग करेगा ये इक्विपमेंट, ये छोटा सा एक हेलमेट माउंट। इस प्रोडक्ट का नाम है, अगर आप मार्केट में लेने जाते हो एक एक्शन कैमरा चिन माउंट हेलमेट के लिए, तो आपको इजीली ऑनलाइन ये मिल जाएगा। ये बहुत यूजफुल चीज है, ये स्ट्रैप्स जो है आपके हेलमेट में जाके टाइट हो जाते हैं एंड इस जगह पे आपका अपने अपने गोप्रो को फिक्स किया होगा वो एक नट की मदद से इस पे माउंट हो जाएगा। अराउंड 800-900 बक्स के अंदर आपको ये इजीली मिल जाएगा। सोचने वाली बात ये कि चिन जो है वो ह्यूमन फेस होता है, उसके नीचे वाले पार्ट को कहा जाता है। जब हेलमेट में माउंट हो रहा है तो इसको चिन माउंट क्यों कहा जा रहा है हेलमेट माउंट के बजाय? हेलमेट माउंट तो ये ऑलरेडी है, इसका जो काफी नोन्ड नेम है जो आपको सर्च करने पे मिलेगा वो चिन माउंट है। उसका रीजन ये है कि भाई जो हेलमेट है ना उसका जो नीचे का पार्ट है जो हमारे चिन को प्रोटेक्ट कर रहा है वहां पे इसको माउंट किया जाता है, इस वजह से इसको कहा जाता है चिन माउंट। हेलमेट में ये उस जगह पे लग रहा है जो पार्ट हमारे चिन को प्रोटेक्ट कर रहा है, फ्रंट वाले एंगल पे। जब हम हेड मूव कर रहे हो तो उसके साथ हमारा कैमरा भी मूव हो रहा हो, अगल बगल की डायरेक्शंस भी कवर कर रहा हो, जब हमारा फेस मूव हो रहा हो व्हाइल वी आर मेकिंग मोटो व्लॉग्स, व्हाइल वी आर राइडिंग आर बाइक। गाइस पांचवी चीज है हमारे पास यहाँ पे गोप्रो हीरो 9 जिसको मैंने रिसेंटली ही बाय करा है। इसके ऊपर जो रिव्यू व्लॉग्स है मेरे चैनल पे अवेलेबल है जिन पे आपने बिल्कुल भी व्यूज नहीं दिए, कोई दिक्कत नहीं आप नहीं दे रहे हो, पर हम तभी भी आपके लिए व्लॉग्स बना रहे हैं क्योंकि आपकी इच्छा नहीं होगी देखने की, पर हमारी इच्छा है दिखाने की और हम आपको दिखा के ही रहेंगे। तो भाई ये चीज होगी हमारे पास फिफ्थ चीज जो हमारे गोप्रो मोटो व्लॉगिंग सेटअप में हमें बिल्ड करने में हेल्प करेगी, यानी कि हमारा एक्शन कैमरा फिफ्थ थिंग। सो मेरी जान लास्ट बट नॉट द लीस्ट ये जो हेलमेट है ये हमारा सिक्स्थ इक्विपमेंट। ये सिर्फ इक्विपमेंट नहीं है भाई, जो मोटो व्लॉगिंग की बुनियाद है ना वो एक हेलमेट होता है। ये हमारी लाइफ तो बचाते ही बचाता है, एज वेल एज मोटो व्लॉगिंग जो शुरू हुई थी वो इस ही की वजह से हुई थी। तो मोटो व्लॉग कैसे हो सकता है, मोटो व्लॉग का अर्थ क्या है, बेसिक क्या है? मोटो व्लॉग का मतलब है कि आप एक बाइक में बैठ के, दो पहिया वाहन में बैठ के चलते चलते व्लॉगिंग कर रहे हो। व्लॉगिंग यानी कि आप बोल रहे हो और वो रिकॉर्ड हो रहा है आपके सीनरी के साथ, आप उसको बाद में सिंक्रोनाइज करके पोस्ट कर रहे हो। भैया आपके दो पहिया वाहन में यानी कि आपकी बाइक में जब आप बैठ के चल रहे होगे, सवार होगे, तो आप किस चीज में अपने एक्शन कैमरा को माउंट करोगे या किस चीज में आप अपने ऑडियो सेटअप को माउंट करोगे, अपने माइक को माउंट करोगे, वो एक हेलमेट ही होता है। ये हेलमेट
बुनियाद और बेसिक है मोटो व्लॉगिंग का, ये हेलमेट है, इसी वजह से हम मोटो व्लॉग कर पाते हैं, मोटो व्लॉगर्स मोटो व्लॉग बना पाते हैं। अपेक्षा आशा तो हमने ये करी थी कि आज आपको कंप्लीट सेटअप करके हम दिखा देंगे मोटो व्लॉगिंग का, पर क्या हुआ कि सराउंडिंग में आप देख सकते हो इस समय अंधेरा हो चुका है, यानी कि रात हो चुकी है, गुच्छ रात। भाई फिलहाल मुझे लगा द बेस्ट थिंग विल बी कि हम इस चैप्टर को अगले दिन कंटिन्यू करें, नेक्स्ट डे व्लॉग को कंप्लीट करेंगे कल सुबह, जहां पे हम आपको हेलमेट में सारी चीजें जो इक्विपमेंट्स हैं इन सबको असेंबल करके माउंट करके दिखाएंगे। ब्रो आज हो गई है रात, तो फिलहाल क्या करते हैं हम लेते हैं आपसे अलविदा आज के दिन के लिए। आज जो कंटेंट आपको मिला वो देख के मुझे लगता है आपको कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन जरूर मिली होगी जो चीज आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। अगर आप इन फ्यूचर एक मोटो व्लॉगर बनना चाह रहे हो, आप अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर रहे हो, तो आई थिंक ये इन्फॉर्मेशन आपको बहुत काम आने वाली है। एंड के बाद जो कल का सीक्वेंस होगा ना वो इसी ब्लॉग के साथ अटैच होकर आपको मिलने वाला है, तो इसके बाद जो नेक्स्ट ट्रांजिशन होगी ना वो कल सुबह की है। भाई 1, 2 एंड 3 हो जाइए रेडी।